दोस्तों, अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन किया हुआ है न्यू और करेक्शन का, और इस कंडीशन में अगर आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, तो रिजेक्ट होने के पीछे मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 3 रीज़न की वजह से आपका रिजेक्ट होता है। या तो एक तो आपका पैन कार्ड वाला इश्यू हो गया है, या तो फिर उसमें कुछ डेमोग्राफिक इश्यू आ गया है, आपने कुछ डिटेल गलत डाल दिया है तो। और तीसरा आपका ये रहता है कि आपका आधार कार्ड में आपने जो स्पेलिंग है उसमें आपने कुछ मिस्टेक किया हुआ है। तो आपको मैं आपको तीनों का तीनों रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्या करना है। आपको इसमें कोई भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी और मतलब बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कोई न्यू पैन कार्ड एप्लीकेशन किया हुआ है, आप यहाँ पे रिजेक्ट में आकर सर्च कीजिए कि आपका पैन कार्ड कौन सा रिजेक्ट हुआ है। ओके, तो आप पहले इस कंडीशन में आपको पहले मैं आपको पहला रीज़न दिखा रहा हूँ कि आपका कोई भी पैन कार्ड ऑलरेडी इश्यू हो गया है, तो उस कंडीशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आप उसमें कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको एक बताया गया है रावल कानूबेन मोहन भाई, इनका आपका पैन कार्ड ऑलरेडी इश्यू हो गया है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी आपको एक्शन लेने के लिए आगे नहीं बताया जा रहा है, मतलब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, मतलब इसमें ना तो एडिट कर सकते, ना तो इसके सीधी पेंडिंग में जाएगी एप्लीकेशन, कुछ भी नहीं होगा। हमारा दूसरा रीजन ये रहता है कि डेमोग्राफिक इश्यू आया हो और पीछे लिखा हो प्लीज़ अपडेट आधार कार्ड, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको देखिए यहाँ पे पैन कार्ड ऑलरेडी इश्यू यहाँ पे टिक नहीं किया हुआ है, आपको नीचे की साइड दूसरे नंबर का ऑप्शन आपको क्लिक करके दिया गया है कि डेमोग्राफिक इश्यू प्लीज़ अपडेट आधार कार्ड। ओके, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है कि कस्टमर को बोलना है कि भाई आपका आधार कार्ड या तो आपने पुराना दिया हुआ है, या तो फिर आप इसको कुछ भी एक चीज़ अपडेट करवा के लाइए, मतलब उसमें डेमोग्राफिक अपना थंब या तो फिर कुछ भी अपडेट करवाइए, या तो मोबाइल नंबर डलवाइए, कुछ भी मतलब एक चीज़ अपडेट करवाना है। इसके बाद इसको यूआईडी की वेबसाइट मतलब आधार की वेबसाइट पे जाके आपको नया आधार कार्ड डाउनलोड करना है, और इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन को फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रिजेक्ट होता है तो इसका पेमेंट तो आपको रिफंड आ ही जाता है, अगर न्यू करना चाहते तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसी एप्लीकेशन को अगर फिर से फिल करना नहीं चाहते, तो आप इसको देखिए यहाँ पे आपका डेमोग्राफिक इश्यू दिया है, तो आप यहाँ पे रिजेक्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपको इसको पेंडिंग में लेना है कि नहीं। जैसे आप पेंडिंग में लेके आपको इस एप्लीकेशन को जैसे आप सेव करोगे, तो आपको ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा वो पेंडिंग सेक्शन में जाके, मतलब ये इनका पेमेंट भी डेबिट हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे इसका पूरा का पूरा एप्लीकेशन आ गया है ये, और इसको आप फिर से एडिट एडिट पे जाके यहाँ पे एक्शन में जाके देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा पूरा एप्लीकेशन मतलब ये यहाँ पे आ गया है, ये व्यापारी जायदा बैन, तो उनको आप कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ एक्शन के अंदर आना है आपको। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि यहाँ से आप सीधा इसको एडिट कर सकते हैं, मतलब आपको फिर से फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्शन में आके आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म खुल जाएगा, और जो भी कस्टमर ने मतलब जो भी सुधार करवाया है या फिर जो भी अपडेट करवाया आपको नया आधार कार्ड देके जाता है, तो जो भी करेक्शन है वो आप यहाँ पे कर दीजिए, जो भी डाटा है उन्होंने चेंजेस किया हुआ है वो तो, और उसके बाद आपको सेव कर देना है, और सेव करने के बाद आपको यही एप्लीकेशन आपको पूरे की पूरी प्रिंट निकाल लेनी है, या तो फिर आपको फिजिकल फॉर्म भर देना है, और डॉक्यूमेंट स्कैन करके आपको सीधा ही इसको डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाके ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। और हमारा रिजेक्ट होने का तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि जहाँ पे हमको बताया जाता है कि चेक आधार कार्ड डेमोग्राफिक इश्यू, या तो फिर नीचे एक तीसरा नंबर का हमारा जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको आधार कार्ड चेक करना है, अगर आपने आधार कार्ड में कुछ जो स्पेलिंग डालते हैं उसमें आपने कुछ गलती कर दिया है तो। ओके, तो आप देख लीजिए उसको, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हमारा तीसरा रीज़न ये है कि चेक आधार कार्ड, या तो फिर हमारे को तीसरा स्टेटस अगर आपको दिखा रहा है यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे थर्ड नंबर का ऑप्शन है अदर रीज़न, और रिजेक्ट नॉट करके आपको लिखा है कि रॉन्ग फॉर्म फिलअप, मतलब आपने फॉर्म फिलअप करते समय कुछ गलती कर दिया है, तो आप इसी फॉर्म को भी आप पेंडिंग में ले जाके आप फिर से इसको अपलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट, जो भी करेक्शन करना है करके, या तो बैक साइड में आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, या तो आधार कार्ड में आपने कुछ गलती कर दिया है, आधार कार्ड में जैसा डेटा ऐसा नहीं डाला हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपका रिजेक्ट हो सकता है।
तो सो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए कि आपने क्या गलती किया हुआ है, तीनों रीजन आप किस वजह से आपको रिजेक्ट आता है, रिजेक्शन आती है, और इसके बाद आपको अपलोड कहाँ कहाँ पे करना है, करेक्शन कहाँ पे करना है और कहाँ पे अपलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो सो प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा रीजन की वजह से आपका रिजेक्ट हुआ है, ओके। और इसके बाद आप फिर से वो करेक्शन करके आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, और ये आपका फिल जो भी एप्लीकेशन होगी आपने जो फिल की हुई है लेटेस्ट, तो वो आपको वेरीफाई होके आपको उसका एक्नोलेजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।